नमस्कार दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल इज बेसिक फॉर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। और कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स आ ही जाता है, और इसमें अगर हमें कोई भी डाउट ना हो तो हम क्वेश्चन को आसानी से और बड़े ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन के बेसिक्स मतलब कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यह हमारा डेसिमल फ्रैक्शन टॉपिक का थर्ड पार्ट है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स कैसे किया जाए। इसका पहला कैटेगरी है टू मल्टीप्लाई बाई ए पावर ऑफ 10। इसका एग्जाम्पल देखिए आप कि 39.052 × 100। इसमें देखिए कि 100 क्या है, 100 10 का पावर है, 10 का पावर 2 क्या होता है, 100। तो अभी हम जानेंगे कि इस डेसिमल नंबर को 100 से, जो कि 10 का पावर 2 है, से कैसे मल्टीप्लाई करें। देखिए, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या करना है कि जितना भी 10 का पावर है, जैसे यहाँ देखिए 10 का पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, जो भी डेसिमल नंबर है उसमें डेसिमल पॉइंट्स को दो डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। दो डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि देखिए 39 के बाद पॉइंट था तो हम यहाँ एक डिजिट और लगा दिए और यहाँ एक डिजिट और लगा दिए। टोटल कितना डिजिट हो गया, 1 और ये रहा 2। दो डिजिट राइट साइड में हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे और जस्ट इसको ऐसे लिख देंगे। तो ऐसे लिख देंगे तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए ना दोस्तों, ये तो बड़ा ही आसान था। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी इस तरह से 10 का पावर दिया होगा तो जो भी क्वेश्चन में डेसिमल नंबर होगा उसके राइट साइड में हम उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट्स को शिफ्ट करेंगे जितना कि 10 का पावर होगा। जैसे कि यहाँ 10 का पावर 2 है तो हम 2 डिजिट किस कहेंगे। अगर आप पावर के टर्म में नहीं जानना चाहेंगे तो डायरेक्ट देखिए कि कितना नंबर ऑफ जीरो है, तो जितना नंबर ऑफ जीरो रहेगा उतना ही किस कहेंगे। इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 42.64 × 1000। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्टली पॉइंट को उतने ही डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करेंगे जितना कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ जीरोज क्या है कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ 3 है। लेकिन आप गौर कीजिए, इस डेसिमल नंबर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो है ही नहीं, ओनली 2 डिजिट्स हैं, एक 6 है और एक 4 है। तो कैसे करें, तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। अगर हमें जीरो का जब भी जरूरत होगा, कभी भी अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स लेस देन नंबर ऑफ जीरोस होगा तो क्या करेंगे, हम उसमें उतना ही जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे जितना कि हमें जरूरत होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें कितना शिफ्ट करना था, 3 डिजिट शिफ्ट करना था, तो 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन तीसरा लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और जीरो लगा देंगे। तो एक और जीरो शिफ्ट कर दिया हमने, यहाँ पॉइंट लगा दिया, या फिर पॉइंट मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैंने पॉइंट को हटा दिया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 42640। इसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेम क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते थे। आप कभी भी ऐसे लिखा होगा तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 10 के पावर के टर्म्स में, यहाँ 10 का पावर क्या होगा आप बताइए, जी हाँ 10 का पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 जीरोस हैं। तो आप समझ गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल पॉइंट को उतने ही डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करना है जितना कि नंबर ऑफ जीरोस हो या फिर 10 का पावर हो। यहाँ 10 का पावर 3 था तो हमने 3 डिजिट शिफ्ट किया। अगला कैटेगरी है टू मल्टीप्लाई ए डेसिमल बाई ए होल नंबर। इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए डेसिमल नंबर है 0.9, इसको अगर हम एक होल नंबर 12 से इंटू करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आप इसे कंसिडर कीजिए कि यहाँ 9 × 12 है, 9 × 12 कितना होता है, 108। अब क्या कीजिए आप, ये जो 108 आया ना, इसमें क्या कीजिए, देखिए कि यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, मैंने डेसिमल फ्रैक्शंस के फर्स्ट पार्ट में बताया है। आप अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई का बटन आएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस
होता है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। यहाँ देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितना है, 1 डिजिट है। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि इसका भी डेसिमल प्लेसेस सेम होना चाहिए जितना कि इस डेसिमल नंबर का है। तो इसका डेसिमल प्लेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 0.009 × 12। यहाँ देखिए यहाँ भी अल्टीमेटली क्या है, 9 × 12 है। तो 9 × 12 जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 108 होगा, लेकिन 108 का क्या करना है हमें, 108 का डेसिमल प्लेसेस सेम करना है जितना कि इस डेसिमल नंबर में है। इस डेसिमल नंबर में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना है, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं, 1, 2 और 3, टोटल 3 डिजिट्स हैं। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ भी 3 डिजिट्स लाना होगा। तो 3 डिजिट्स लाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट 8 हुआ, सेकेंड डिजिट 0 हुआ और थर्ड डिजिट 1 हुआ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो 0.108 बोलो या फिर इसे 0.108 बोलो, यही हमारा आंसर है। इस तरह से हमने समझ लिया कि कभी भी डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से इंटू करना है तो कैसे करना है, जस्ट उसको एज ए इंटीजर कंसीडर करके इंटू करना है और लास्ट में जो आंसर आएगा उसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम कर देना है जितना कि डेसिमल नंबर में होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला कैटेगरी है टू मल्टीप्लाई ए डेसिमल बाई ए डेसिमल। यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही डेसिमल होंगे, जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे 0.61 × 0.007, दोनों ही डेसिमल नंबर है। तो इसको हम जस्ट एक इंटीजर कंसीडर करेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक इंटीजर कंसीडर करके इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेंगे। तो इस तरह से 427 आ गया। अब हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं। देखिए 0.61 में कितना डेसिमल प्लेस है, जी हाँ 2। देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है, 2 है। और 0.007 में कितने हैं, 3, 0, 0 और 7। तो इस नंबर का डेसिमल प्लेस कितना हो गया, 3। तो टोटल डेसिमल प्लेसेस कितने हुए, 2 + 3 क्या हो गया, 5। तो हमें क्या करना है, इसका भी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 5 करना है। तो इसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 5 करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 427 ऐसे लिख लिए। अब देखिए यहां से राइट साइड से गिनेंगे, 1, 2, 3, यहाँ तो ओनली 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्रीफिक्स लगा देंगे। प्रीफिक्स मतलब कि आगे 2 जीरो लगा देंगे। 2 जीरो क्यों लगाया, यहाँ 2 जीरो इसीलिए लगाया क्योंकि टोटल हमें डेसिमल पॉइंट्स के बाद 5 नंबर ऑफ डिजिट चाहिए। 5 किस लिए, क्योंकि 5 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है टोटल। टोटल मतलब कि दोनों डेसिमल नंबर्स को मिला के। तो इस तरह से हमारा आंसर ये रहा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना डेसिमल प्लेसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ टोटल 5 डेसिमल प्लेसेस हैं। और यहाँ डेसिमल प्लेसेस कितना है, 1 और 2। तो टोटल कितना हो गया, जी हाँ टोटल डेसिमल प्लेसेस 7 हो गए। ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब आगे इसको जस्ट एज ए इंटीजर हम इंटू करेंगे। इंटीजर इंटू करेंगे मतलब 2, 3, 4, 5 × 24 करेंगे तो क्या आएगा, 56280। अब क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना करना है हमें, 7। तो राइट साइड से गिनेंगे तो ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहाँ तो ओनली 5 है तो क्या करना है हमें, 2 और लगा देना है ताकि टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना हो जाएगा, 7। तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहां तक आपने समझ लिया दोस्तों। अब अगला है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में पहला कैटेगरी है व्हेन द डिवीजर इज पावर ऑफ 10। डिवीजर इज पावर ऑफ 10 का एग्जांपल ये रहा कि 463.8 डिवाइडेड बाई 10। देखिए 10 इज पावर ऑफ 10 है, 10 का पावर 1 क्या होता है, 10 होता है। तो इस डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम, सिंपली जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में हमने राइट साइड में ले गया था डेसिमल पॉइंट को, यहां हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में, जस्ट उल्टा। तो क्या होगा इसका, देखिए लेफ्ट साइड में करने के लिए और एक एक डिजिट आगे ले जाएंगे। तो एक डिजिट क्यों आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि इसका 10 का पावर 1 है या फिर इसमें एक ही 0 है। 10 के पावर के टर्म में दिया होगा तो आप 10 का पावर देखिए, और जस्ट इस तरह से लिखा होगा तो आप नंबर ऑफ 0 देखिए। तो नंबर ऑफ 0 इसमें कितना है, 1 है। तो इसको एक डिजिट आगे खिसका देंगे पॉइंट को, तो एक डिजिट आगे खिसकाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा,
46.38। बड़ा ही आसान था। मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, यही क्वेश्चन आपको इस टर्म में भी लिख सकता है। देखिए 463.8 डिवाइड बाय 10^1, तो इसको अगर हम इनटू के टर्म में लिखेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 463.8 इनटू, अब मैं इनटू लिख दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10^-1। तो कभी भी ऐसा भी अगर रहेगा -1, मतलब कि आपको क्या करना है, एक आगे ले जाना है, मतलब कि लेफ्ट साइड में ले जाना है। अगर +1 रहता तो राइट साइड में ले जाना है। तो इसको आप समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रहा, यहाँ देखिए यहाँ 10^2 क्या है, 2 है, या फिर टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 डिजिट आगे ले जाएंगे, लेकिन यहाँ देखिए पॉइंट के पहले तो एक ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, एक और डिजिट जोड़ देंगे। एक और डिजिट जोड़ेंगे, इसका मतलब कौन सा डिजिट जोड़ेंगे, जी हाँ 0। तो 0 को हमने जोड़ा और ये जो नंबर है उसको सेम लिख दिया और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के पहले भी अगर हम लिखना चाहें तो इसको 0 भी लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 0 है, तो 4 डिजिट्स आगे करेंगे डेसिमल पॉइंट्स को, आगे मतलब कि लेफ्ट साइड में खिसकाएंगे। तो लेफ्ट साइड में खिसकाने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसमें तो एक भी और लेफ्ट साइड में डिजिट्स नहीं है तो या फिर 0 है, तो हम किसको खिसकाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 0 लिख दिया मैंने, और उसके पॉइंट के बाद तो ऑलरेडी 2 0 है ही, तो 2 0 को हम एज इट इज लिखेंगे और लास्ट में क्या डिजिट है, 3। तो ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 0 है, तो 6 डिजिट आगे ले जाना होगा, आगे मतलब कि लेफ्ट साइड में। तो पहले नंबर को हम एज इट इज लिख देते हैं और पॉइंट हमारा यहाँ था, तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट तो यही हो गए, और टोटल और 3 लगाना है क्योंकि टोटल यहाँ कितना नंबर ऑफ जीरोज है, 6। तो इसीलिए 1, 2, 3, क्योंकि 1, 2, 3 यहाँ से हुआ और 1, 2, 3 हमने 0 लगा दिया, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और इसके पहले हम 0 लिख सकते हैं। हालांकि इस 0 का ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये रहा, इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 डिजिट्स पहले ले जाएंगे। तो पहले 508 में ऐसे एज इट इज लिख दे रहा हूं। अब फर्स्ट डिजिट क्या होगा, उसके बाद कितना 0 लगाएंगे, जी हाँ टोटल 7 था तो 6 0 लगा देंगे, क्योंकि 5 एक हो गया और बाकी 6 0 हो गया। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, 6 के पहले पॉइंट लगा दिया, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अगर इस टर्म में भी दिया होगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 5.08 डिवाइड बाई 10^7, इसको मल्टीप्लीकेशन के टर्म में लिखूंगा तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 5.08 इंटू 10^7, आप बताइए -7। तो इस तरह से हम क्या समझ गए कि कभी भी डिवीजर पावर ऑफ 10 होगा तो कैसे करना है। अगला है कि व्हेन द डिवीजर इज ए काउंटिंग नंबर, अगर काउंटिंग नंबर हो मतलब जस्ट ए नंबर हो कोई डिवीजर हमारा, ये डिवीजर, इसको डिवीजर बोलते हैं जो नीचे में रहता है, इसको डिविडेंड, जो आंसर आता है उसको क्वोशेंट, आप इस पे भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको जस्ट कैसे करेंगे हम, इसको सिंपली कंसिडर करेंगे कि ऊपर का डिजिट मान के चलिए आप इंटीजर है, इंटीजर मतलब कि 204 हो गया, अब इसको डिवाइड करेंगे 17 से, तो इस तरह से 12 आ गया आंसर। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ जस्ट 12 तो लिख देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे, जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस शुड बी सेम इक्वल टू डिविडेंड। अब देखिए डिविडेंड में कितना नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 है, यहाँ भी हमें 4 बनाना है। तो ये रहा पहला, दूसरा, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 0.0012। अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है व्हेन द डिवीजर इज ए डेसिमल फ्रैक्शन, इसका एग्जांपल देखिए 35/0.7। इसमें हमारा एम ये रहेगा कि जो डिवीजर है उसको एज ए होल नंबर लिखना है सबसे पहले, तो एज ए होल नंबर लिखने के लिए मैंने जस्ट लिख दिया डायरेक्टली 7। अब क्या करूंगा, देखूंगा कि मैं इसमें टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना है, देखिए टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें कितना है, 1 डेसिमल प्लेस है, तो इसका डिविडेंड में मैं क्या करूंगा, 1 0 यहाँ लगा दूंगा इसके राइट साइड में, 1 0 लगा दूंगा, मतलब देखिए 35 और यहाँ मैं 1 0 लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये 350/7 हो गया, ये सिमिलर सेम चीज हो गया। अब इसको जस्ट डिवाइड कर देंगे जैसा कि हम नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 50।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें दोनों डेसिमल पॉइंट्स हैं। सिमिलरली अभी हम यहाँ क्या करेंगे कि इसको एज ए होल नंबर लिखेंगे। एज ए होल नंबर लिखने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको डायरेक्टली 5 लिख दिया। अब मैं यहाँ क्या करूंगा कि इस डेसिमल पॉइंट को 4 डिजिट्स राइट साइड में शिफ्ट करूंगा। 4 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए क्या करूंगा, देखिए ये फर्स्ट डिजिट तो 5 ही हो गया, अब सेकेंड थर्ड और फोर्थ, मतलब की देखिए 3 0 मैंने ऐड करके यहाँ पॉइंट लगा दिया है ना, तो इस तरह से ये क्या बन गया, 25,000 बन गया। तो अब हम इसको सिंपली डिवाइड कर देंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5,000। बड़ा ही आसान लग रहा है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगेन इसमें हम क्या करेंगे, जो डिविजर है उसको एज ए होल नंबर लिखेंगे। एज ए होल नंबर क्या हो जाएगा इसका, जस्ट 17। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखूंगा मैं, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 5 है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, डेसिमल पॉइंट को 5 डिजिट्स राइट साइड में शिफ्ट करूंगा। तो ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ फिफ्थ तो है नहीं, तो यहाँ मैं 0 लगा के यहाँ एक डिजिट्स और शिफ्ट कर दूंगा, तो टोटल क्या बन जाएगा ये नंबर, 3230। देखिए 5 डिजिट्स मैंने शिफ्ट किया, यहाँ पर एक और 0 था है ना। अब इसको सिंपली मैं डिवाइड कर दूंगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 190। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन समझ गए दोस्तों। तो आपके लिए ये क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ये क्वेश्चन IBPS PO में पहले पूछा जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखें। और हाँ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।